गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय श्री राम। आप सब कैसे हो? तो आज बिग बॉस का जो है सैटरडे संडे दोनों का इकट्ठा डाल रही हूँ व्लॉग। आई नो दो दिन बाद आ रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, तो मैं अभी दवाई लेके थोड़ी देर लेटी, उसके बाद उठी, तब मैंने मेरे को एक बार व्लॉग मैं स्टार्टिंग बना देती क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था। बाकी मज़ा आया वीकेंड का बार देखने में। बाकी एलविश को मिलने नहीं दिया, इसमें थोड़ा सा मैं लगा कि नहीं मिलने देना चाहिए था, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, सभी को मिलवाया बट एलविश और वो लोग नहीं मिले। बट कोई बात नहीं, वो बोलते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग लवकेश को इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ब्लॉग को एंजॉय करो, लास्ट में मिलते हैं आपसे। बिग बॉस हो चुका है हमारा शुरू और जो आज लवकेश ने सूट पहना है वो ड्रेस कोड से हमने ख़रीदा है और उसका जो शॉप का एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर के शॉप कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन और बहुत सुंदर सूट्स है वहाँ पे, बहुत अच्छी वैरायटीज़ है, बहुत अच्छे कपड़े हैं वहाँ पर, सो गो एंड विजिट देयर। बाकी मुझे ये लगता है हर चीज़ ना कैमरे के लिए हो रही है, लवकेश ने कही तो थी कि तुझे तो हर डिसीजन अनुमान से पूछ के लेना पड़ता है। केतन भाई की इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से इस घर में कम है, वो बस टास्क के दौरान बोलते हैं, वैसे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उनको कभी देते हुए देखा नहीं, और देते हैं तो सेंसलेस बातें करते हैं, और टास्क के दौरान भी अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इनको लगता है कि धक्का मारना इन्वॉल्वमेंट होता। तो घर के हिसाब से तो ये, और ऑडियंस के हिसाब से ये होगा कि ये अपने ग्रुप के अलावा कहीं और पर इनिशिएट भी नहीं करते बात करना कि मैं जाके बात करूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा है ऑडियंस को बोरिंग लग रहे होंगे। अभी एक एक के साथ प्रूफ इनके आने या ना आने से इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अदनान, यस सर, आपको पता भी है कि आप बिग बॉस के घर में? यस सर। यू एग्री दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस आवर ऑफ दिस शो? यस सर। हाँ जी, यस सर। आर यू श्योर? जी सर। तो देखिए, यार यहाँ बैठे हो मेरे से बात कर रहे हो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी बिहेवियर से लगता है लोकेश आपको क्यों लगता सर? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अदनान बेशक जो टेक्निशियन उन्होंने बोल के आया थे वो हमारे क्लियर हो गया था, और जब मेरा रोस्ट का वो था, क्या कहें, रोस्ट नहीं सॉरी, वो ब्लॉगिंग का जो टास्क मिला था उसमें भी अदनान भाई ये बोल रहे थे मुझे कि हाँ तू तो सोच के आया होगा, अब निकल रहा है तेरे मन का, तू तो चाहता था कि मैं आऊँ, तो मेरा कोई मोटिव था ही नहीं, मेरा बस मोटिव था ब्लॉग बनाने का, लोग भी थोड़ी टाइम वाइम खींचने का, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि भाई थोड़ा बाहर की वे में ले रहे हैं मुझे, मतलब बेसिकली मुझे तो पर्सनली अभी, तो इससे सर मैंने भी आपको खड़ा किया सर, फ्री हो रहा था वो। पर मैं आपको क्यों लगता है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, तो एक एक करके ऑर्डर हो जाते हैं। डे वन पर अदनान जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे अंदर जाने का मकसद तुम्हारे दोस्तों को सही रास्ता दिखाने का, कि तुम्हें विशाल को सही रास्ता दिखाना था, तुम्हें डीजे को सही रास्ता दिखाना था, लवकेश और तुम्हारी बाहर से कोई दुश्मनी थी, ये सब लेकर तुम अंदर जा रहे थे, अंदर गए। यू नो प्रॉब्लम क्या है ना, यू नो एक चीज पलट गया ना, अंदर आते तो पूरा पलट गया। ये बिग बॉस एलविश यादव। अच्छा लग रहा है सर, मैंने जो सोचा था कि वो जैसा परफॉर्म करेगा उससे तो अच्छा ही कर रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं जो उसके साथ कर रहे हैं वो थोड़ा गलत लग रहा है, बाकी कटारे से उनको कौन गलत। रिसेंटली देखा मैंने कि तो धक्का दे रहा था बार बार, पीछे जा रहा था, ये भी तो जा रहा है आज। मैं बोलना चाहूँगा कि सर लड़ाई जो होती है वो देखो शरीर के साथ नहीं लड़ी जाती, जिगरे के साथ लड़ी जाती है,
और दूसरा मैंने सही केतन को भी देखा, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एक्टिंग ही करता है, मतलब बात भी ऐसी करता जैसे मैं बोलूंगा कि मम्मी खुश हो गई आज, बहुत खुश हो गई। शर्ट उतारी थी मारने के लिए जब कटारे को जा रहा था तो शर्ट के साथ मैं भी था, मैं सब मैं हैरान हो गया देख के, जानी चाहिए वो जो हम तो ऐसे जलते हैं, वो ऐसे जलते हैं जैसे आप अपने दोस्त को सपोर्ट करने आए हैं वैसे किसी और का भी खास दोस्त घर के अंदर है, बहुत अच्छी बात है, आए हैं यहाँ सपोर्ट करने, मतलब स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा लगता था कि हाँ भाई इसकी दोस्ती में वो बात नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, बट अब वो दिखा रहे हैं, ऑनेस्ट है सर हम दोनों, इतनी सी बात पे कंधा टच होगा किसी का ब्लॉग बनाते उस बात पे धक्का मुक्की इतना नहीं होता, गुस्सा हमें भी आता है, हमें तो सर बहुत ज्यादा आता है, वो तो कुछ नहीं है। किस किस संगत आप लोगों के लिए ज्यादा बुरी है हेट साइड करने के लिए हम आज इस घर में करेंगे एक छोटा सा टास्क, अदनान और लवकेश। यस सर, यस सर। ये टास्क होएगा भाई, अब हमें क्या होएगा टास्क में, आप लोगों की तस्वीर लेंगे, किसकी संगत आप लोगों को बुरी लगती है, टास्क संगत का टास्क है, किसका टास्क बढ़िया, किसकी संगत बढ़िया है, लवकेश क्या कहना चाहेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो अच्छी डे है ना, यो इतनी बार भी आर्ग्यूमेंट हुए, मैंने आगे से जाके आपकी शायद यू नो उसके घर के अंदर आपकी उससे मनी नहीं मनी जो भी है, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ, जितनी आपकी उसकी उसके साथ घर में नहीं बनी ना उससे ज्यादा फैन वो और बात सोशल मीडिया पर थी सर, तो यही एक एग्जांपल है आजकल ये यू नो ये जो फैन वॉर है ये सोशल मीडिया पर क्यों देखने को मिल रही है,
घर के अंदर जैसे कटारिया वर्सेस अदनान ले लो, शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फैन वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर जोरदार चल रही है। ऐसा क्यों? घर के कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात की जा रही है फैन वॉर्स के करविश भाई, आपका सवाल है। मेरा तो जवाब होगा ना भाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं आपसे और वो आपको हर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, वो आपके लिए सदा रेडी रहते हैं लड़ने के लिए। ये सामने वाले ने आपको ऐसा कैसे बोल दिया, वो उस हिसाब का वॉर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। रविश मैं आपको यहाँ रुकूंगा, क्या आपको लगता है कि घर के अंदर लवकेश और विशाल की सच्ची दोस्ती है? हाँ सर सच्ची दोस्ती है बिल्कुल। तो फिर लवकेश ने डिफेंड क्यों नहीं किया? सर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ना, किसी की कुछ सोच होती है जो गलत में साथ नहीं देते, क्या पता मेरी फैन आर्मी में वही लोग हो जो सिर्फ गलत के साथ देते हैं, हो सकता है। यही सवाल है मेरा, यू नो फैन वो लोग कहाँ हैं जो सही चीज के साथ देंगे? 100% राइट। वो भी होते हैं सर, कम होते हैं वो थोड़े। क्यों कम क्यों होते हैं? नो आइडिया सर, नो आइडिया, नो आइडिया सर। आपको ये डिस्टर्बिंग नहीं लगता? सर लोग प्यार करते हैं आपसे और आपका साथ देते हैं तो इसमें गलत कैसे होगा? क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? हाँ सर मेरा भी दे रहे हैं, पर मैं तो सही भी हूँ ना सर। अरे कल आपका किसी से पंगा हो गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, अभी फैजू और आपका एक समझो कि झगड़ा हो गया, तू तू मैं हो गई, आपके फैंस फैजू के बारे में बात करें और फैजू के फैंस जो है वो आपके बारे में बात करें। अच्छी बात है कि तुम फैन हो, सही का साथ दो, मतलब जो मैं सही कर रहा हूँ उस चीज का साथ दो, और मेरा नाम लेके किसी की फैमिली को किसी की फैमिली में मत जाओ, वो बिल्कुल गलत है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। अच्छा मैं बता दूं, इस घर में ना समझाने वाले कम लोग हैं, सो मच। आपने पूरा ब्लॉग देखा, इंजॉय करा, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा, क्या चीज़ आपको सही लगी क्या नहीं लगी, वो चीज़ भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लोगों मिलेंगे आपसे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाय बाय।